बादलों की सीढ़ियां है चांद का स्टेशन, उससे भी आगे कहीं उसका डेस्टिनेशन। सपनों की उड़ान उसकी जस्ट प्लेन जैसी, देखती है सोचती है बातें कैसी कैसी। आइंस्टाइन की मुझे उससे मुस्कुरा के पूछे, रात का काला छाता दिन में है कौन चुराता। तू जाएगा, मैंने पैसे भर दिए, कॉलोनी के सब बच्चे जा रहे हैं, समझा ना? मॉम मैं नहीं जाऊंगा। ए ऋषभ क्या हो रहा है? अरे स्कूल तो तुम्हें जाना चाहिए। डैड इट्स नॉट स्कूल, इट इज स्केटिंग क्लासेस। स्केटिंग क्लासेस? अरे हाँ, सारा दिन घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेलता रहता है, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए मैं इसे स्केटिंग क्लासेस के लिए भेज रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगा स्केटिंग, वहाँ पे लोग गिरते हैं। अरे बेटा गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, समथिंग समथिंग जो टिफल घुटनों के। डैड 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 हॉर्स राइडिंग क्लासेस, वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ तो लोग और गिरते हैं, और अगर आपने मुझे भेजा ना तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। अच्छा तुम बाद में भागना, पहले तुम ये स्केट्स ट्राई करो। और सुन ऋषभ, तो तुम्हें स्केटिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन करने चाहिए। अरे स्केट्स पहन के तुम और तेज भाग पाओगे घर से। घर से भागेंगे? वो मुझे नहीं पता, पर मैंने उसके हाथ में 5 कार्ड देखे और मैंने उसे नोट डाउन कर लिया ताकि मैं भूलू नहीं। ये देखो, स्केट, ओल्ड मैन, टीवी, अमिताभ बच्चन। पर ये लास्ट वाले पे क्वेश्चन मार्क क्यों है? कार्ड दिखाने से पहले वो भाग गया, आई मीन ड्रीम में। हे गाइस प्लीज हेल्प मी, ये सब घर से भागने वाला है, उसे रोकना ही होगा। आई मीन और वो स्केट्स को देखते ही। रिलैक्स, केट का क्या टेंशन है? मॉम मुझे स्केटिंग क्लासेस ज्वाइन कराना चाहती है, लेकिन ऋषभ हाँ नहीं जाना चाहता है। आई गेट इट, स्केटिंग से बचने के लिए वो घर से भाग रहा है, यानी तेरी ड्रीम में जितने भी काज है उनसे बचने के लिए ऋषभ भाग रहा है। लेकिन कोई अमिताभ बच्चन की वजह से क्यों भागेगा घर से? हाय, मैं तो शाहरुख के लिए घर छोड़ दूँ। अच्छा, और मैं ऐश्वर्या के लिए, बिपाशा के लिए, प्रियंका। अरे क्या है, क्यों इतना साइड ले रही तू ऋषभ का? हाँ सारा दिन घर में बैठा बैठा बिल्कुल लेजी हो गया है वो। ही नीड्स सम एक्सरसाइज, क्रिकेट वो खेलता नहीं, स्विमिंग के लिए वो जाता नहीं, और एटलीस्ट स्केटिंग में डेविड की कंपनी है ना उसके पास, तो क्या प्रॉब्लम है? और ये गोपी की चौकी को भी ना आज ही गांव जाना था। मॉम मॉम कुछ भी पर स्केटिंग नहीं प्लीज। बट वाई? अब हाँ, क्योंकि मेरे क्लास में एक लड़का था जो स्केटिंग क्लासेस जाता था, पर एक दिन
वो अपने सर के बल गिर गया और उसकी याददाश्त खो गई। 10 दिन तक वो अपना नाम ही भूल गया। नहीं नहीं मैं अपने गोलू को स्केटिंग क्लास में कभी नहीं भेजूंगी। नेवर। बैडमिंटन। हाँ बैडमिंटन। और शटलकॉक तो होता भी लाइटवेट है ना। हाँ ग्रेट आइडिया। लेकिन हाँ अभी नहीं बताना उसे। हाँ फिल्म से आने के बाद। कौन सी फिल्म? अरे वो है ना वो बच्चों की नई फिल्म वो क्या वो भूतनाथ पार्ट 2 अमिताभ बच्चन वाली। क्योंकि उस फिल्म में बहुत वायलेंस है। बच्चों की फिल्म में वायलेंस है। हाँ और ऋषभ डर जाएगा और फिर कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा तू तो बहुत समझदार होगी। थैंक यू। कम ऑन ऋषभ कम ऑन कम ऑन ऋषभ कम ऑन। One more level to go and Rishabh will be the champ of the world. Come on, come on, come on, man, come on. Nearly done. Thank you. Hi, Rishabh. Didi kitchen mein. Hum Didi se mile thodi hai. हम तो तुझसे मिलने आए हैं। मुझसे मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब हम करेंगे। तुम्हें चॉकलेट देंगे स्वीट देंगे हैप्पी रखेंगे फ्लावर्स जो अकेलेपन के एहसास को दूर कर देते हैं। स्पेशली हम तुम्हारे लिए लेकर आए माय स्वीट बॉय। ये फ्लावर्स को मुझे दूर रखो इससे मुझे एलर्जी है। अब देखा देखा तुम लोगों ने क्या किया। ऋषभ तू वो सब छोड़ तू चॉकलेट खा तू मिर्च ये ले ये ले पप कितना पतला हो गया तू ऋषभ कितना पतला हो गया। अब हम सब ऋषभ से मिलने आए उसको भाव देने ताकि नेक्स्ट टाइम वो भागे नहीं। अब तू घर से बाहर थोड़ी जाओगे। तुम लोग मुझे बाहर जाने से इतना डरते क्यों? रिलैक्स मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो भूल ही गया मुझे तो मॉम के साथ पिक्चर देखने जाना था। अरे चॉकलेट मिल्क से कोई पार्टी वार्टी चल रही है। मॉम हम फिल्म देखने कब जाएंगे? बेटा फिल्म तो कैंसिल। बट व्हाई मुझे वो फिल्म देखनी थी। एक्चुअली क्या है ना कि बेटा मेरा एक शूट आ गया है और इसलिए हम नहीं जा सकते। बट प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे। वैसे भी ना वो फिल्म बच्चों के लिए नहीं है। सुने ना मैं ना एक्चुअली जा रही हूँ और मैं शाम को 7 बजे तक आ जाऊंगा। बच्चों के लिए नहीं है। मैंने सारे फिल्म से वो मूवी देख ली। लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार करता हूँ यार मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब तू पिक्चर शो हम लोग वीडियो गेम खेलते ठीक है वहाँ पे मत बैठो। बहुत डरता है यार चल वीडियो गेम खेलते। लास्ट टाइम आपने मेरी वीडियो गेम का वायर निकाल डाला था। अरे यार वायर तो इधर है तू एक सेकंड यार ये क्या है यार ये तू क्या कर रखता है पोकी पोकी से क्या है ये क्या है ये मेरी बहन बहन की गेम सीन है। मैं चुपका लेता हूँ कोई बात नहीं ये गेम मेरे स्टॉक में नहीं है। अब चीनी को बैठ में रहता है क्या मैं तो इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तुम हमेशा मुझे ब्लेम करती हो। तुम ये क्या हो गया मॉम का नया रोग। मैं भी ना पापा की तरह भूल जाती हूँ वो चल। क्या कैसे किसने किया? ऋषभ के वीडियो गेम की वायर। मॉम तुम्हारा वीडियो गेम खेलना बंद टीवी देखना भी बंद। बट मॉम कुछ नहीं ऋषभ तू मेरे घर आके टीवी देख लेना वीडियो गेम भी खेल लेना ठीक है। बाय ऋषभ बाय।
बाय सुनाना। कोई मुझे प्यार नहीं करता। सॉरी मॉम को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मेरा टीवी देखना बंद करवा दिया, मेरा गेम खेलना बंद करवा दिया और ऊपर से क्या हुआ? क्या विधि? चॉकलेट खाने से। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मुझे घर छोड़ के ना ऋषभ प्लीज ऐसे तुम ये लो दूध पियो और फिर चुपचाप सो जाओ। और सुने ना मिसेस नायडू कह रही थी कि उस फिल्म में तो कुछ नहीं है, तो मुझे ऐसे ही डरा रही थी। अब मॉम वो आपने मॉम को बोला था ना कि मुझे पिक्चर नहीं लेके जाए? ऋषभ देख ऋषभ तूने अपने पेरेंट्स को बताया? नहीं, अगर मॉम डैड को पता चलेगा कि ऋषभ हमारी वजह से भागा है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। टू फाइंड हिम बिफोर दे कम टू नो। कहाँ ढूंढेंगे उसे? ऋषभ ऋषभ सोहेल, कहीं उसे कोई उठा के ले गया तो? अमिताभ बच्चन क्यों उठा के लेके जाएगा? It's not a good idea, I mean. पर मैंने सेम फोटो अपने ड्रीम में दिखा था इसे। अमर एक बार अंजनी। हाँ। अब इसका क्या कनेक्शन है? मुझे भी एक ड्रीम आ रहा है। No! डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन मेरा तो कोई दोस्त नहीं। अच्छा, इसीलिए घर से भाग कर आए हो? आपको कैसे पता? मैं जादूगर हूँ, मुझे वो सब दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। सच? जैसे तुम
अपने घर वालों से झगड़ा करके भाग आए हो? मैं झगड़ करने बिना बताए आया हूँ। हाँ, ऐसे भी ये सब मेरी दीदी का फॉल्ट है। अच्छा, दीदी यानी बड़ी बहन? हाँ। आपको कैसे पता कि दीदी मेरी बड़ी बहन है? कहा ना मैं जादूगर हूँ। मुझे सब मालूम रहता है। एनीवेज, मेरी दीदी की वजह से मेरा पिक्चर जाना कैंसिल, मेरा टीवी देखना कैंसिल, और तो और मेरी फेवरेट वीडियो गेम की सीरी भी टूट गई, और मेरे दांत भी दुखने लगे। अंकल, आई टेल यू, मुझे मेरी दीदी जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन बेटे, दीदी तो दीदी होती है ना? लेकिन मेरी दीदी मुझे बहुत तंग करती है। हम लोग अमिताभ बच्चन के घर जाकर चेक करें। डोंट बी स्टूपिड। सुने ना, तूने जब अपनी ड्रीम देखा था तो ऋषभ के भागते समय तूने कोई भी और क्लू देखा था? कोई भी? थिंक हार्ड। नहीं, बस वो कार्ड, ओल्ड मैन और पेड़ पौधों के बीच में एक हार्ट, दैट्स ऑल। पेड़ पत्ते? कोई गार्डन देखा था क्या? एंथनी गार्डन। अरे, तेरे बंगले के पीछे वाला जो गार्डन है। तभी मैंने अपनी जी में अमिताभ बच्चन का एंथनी पोस्टर देखा था। लेकिन वहाँ पे नहीं मिला तो हम अमिताभ बच्चन के बंगले पर जाएंगे ना? हाँ, बहुत दिनों से ऐसे नहीं मिला हूँ यार। हाँ, क्यों नहीं? चल। हाँ, चल मूव यार, चल यार। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो घर से भाग आए। मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, मैं भी ऐसे ही घर वालों से झगड़ के भाग आया था। देखो देखो आज कितनी अच्छी हालत है मेरी। ओ गॉड, दीदी, आप प्लीज हमारी हेल्प कर सकते हैं? मैं कैसे कर सकता हूँ हेल्प? अरे वहाँ पे अंकल, प्लीज आप मेरी दीदी को मत बताएगा कि मैं यहाँ पे छुप रहा हूँ। मैं बताऊंगा। अरे अरे, अपनी पोटली तो लेते जाओ, वरना दीदी पूछेगी फिर पोटली वाला किधर है। ये तो वही है क्या जो मैंने अपनी ड्रीम में देखा था? ये तो वही ओल्ड मैन। अंकल, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है? हाँ, देखा है। कहा तुम्हें देखा है? जिन तीनों को देखा है? हमें नहीं, एक छोटे से बच्चे को जिसे चश्मा पहना था। छोटा सा बच्चा चश्मा पहने हुए? नहीं 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 नहीं, देखा है। कौन है वो? इसका भाई है। हाँ? घर से भाग गया है। भाग गया? अरे तो भागने दो, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? अरे वो मेरा भाई है। तो उसे सुबह में ढूंढ लेना, इतनी जल्दी क्या है? सुबह? अगर सुबह तक उसे कुछ हो गया तो? इसका मतलब तुम्हें उसकी फिक्र है, है? क्योंकि वो मेरा झूठा भाई है। और वो भी एक लौता, अभी 10-12 होते तो समझा होता यार, बात और होती है। सोहेल, मुझे नहीं पता था कि बड़ी बहनों को छोटे भाइयों की इतनी परवाह होती है। अगर नहीं मिला तो? तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। ना जाने सब कहां होगा अभी। अब रो रही है? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि बड़ी बहनें छोटे भाइयों के लिए रो भी सकती हैं।
इतना प्यार करती हो तुम उसे? हाँ अंकल, आप प्लीज हमारी हेल्प कर सकते हैं? मैं कैसे कर सकता हूँ हेल्प? मैं कैसे कर सकता हूँ? उनको बता के कि मैं यहाँ पीछे छुपा हूँ। थैंक गॉड ये मिल गया। थैंक गॉड मैं मिल गया। थैंक गॉड ऋषभ मिल गया। लेकिन इसका मतलब ऐश्वर्या राय के घर जाने का प्लान कैंसिल। एनीवेज थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। ओके बेटा ओके, वेलकम वेलकम, माय प्लेजर। देखो दोनों भाई बहन प्यार से रहना, अच्छा? प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, जोर से प्रॉमिस। थैंक यू अंकल, बाय। थैंक यू, बाय 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 बाय। I can't play badminton. It's a very good exercise. समझे तुम? दीदी मॉम को बताओ ना, I hate badminton. इसको क्या बोल रहा है? इसी ने तो आइडिया दिया मुझे. मॉम, दीदी, कुछ कहता है इसका सपना।